करूं फिर बात करूं। नमस्कार, मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, मार्केट यार्ड में, बेला के मार्केट यार्ड में पूरी कालाबाजारी चल रही है, ऐसा हमें पता चला। अभी इस वक्त हम मार्केट बेला मार्केट यार्ड में मौजूद है और ये बेला मार्केट यार्ड की जो खरीदी है वो बेला सोसाइटी के तत्वावधान में ली जा रही है, मार्केट फेड के तत्वावधान में ली जा रही है। लेकिन जिस वक्त इनॉग्रेशन हुआ था, विधायक भी आए थे और जिस वक्त काश्तकार का जो माल सिलेक्ट किया गया था, वो उस वक्त सिलेक्ट करने के बाद में जो कल यहाँ पर मार्केट काटा शुरू हुआ, फिर उसके बाद में उन काश्तकारों को कहा जा रहा है कि आपका जो माइचर है वो 17 से 18 है या तो फिर 14 है। यानी अभी किसानों का कहना यही है कि यहाँ पर कालाबाजारी चल रही है और अंदरूनी इन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं और ये 18 माइचर वाले के 15 माइचर वाले का जो सोयाबीन है वो लिया जा रहा है, लेकिन जिसका वाजबी है और जिसको माइचर कम है उनका भी नहीं लिया जा रहा है, या तो ये बहानेबाजी कर रहे हैं। अभी दूसरी बात में जिस तरह से किसानों का जो खरीदी है, किसानों का जो अन्नदाता है, अन्नदाता जो अपनी फसल को लाकर यहाँ पर रखता है और रखने के बाद में भी कई रातें यहाँ गुजारता है, यानी कल से ये रात भर यहाँ पर उनके माल की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं और आज जिस तरह से यहाँ पर आकर पहुँच रहे देखा जा रहा है, तो मार्केट यार्ड वाले और सोसाइटी वालों का नज़रिया वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी किसानों की तरफ से कई सारे आरोप लग रहे हैं, जैसा कि दान के विषय में भी जब हम पोता लगाते हैं तो दान के विषय में भी अलग से सोयाबीन निकाला जा रहा है, फिर उसके बाद में कुछ गुमशुदा बातें कर रहे हैं, जैसा कि डिमांड भी नहीं कर रहे हैं और अलग अलग जाकर बड़े किसानों के भी लिया जा रहा है। अब कल का जिसका जो शेड्यूल था वो बुरहानपुर और नगराला शिवार, बेला शिवार, इन तीनों का शिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनका माल लिया जा रहा है। अभी अब यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त हम सोयाबीन के करीबी मौजूद है और किसान यहाँ पर परेशान हाल है। किसानों का कहना ये है कि ये कालाबाजारी, गवर्नमेंट जब अपने जो किसान जो है अपना जो माल लेके अपनी फसल लेके जब आता है तो उसके अंदर किसानों के साथ भी कालाबाजारी कर रहे हैं और रिश्वत की बात ज़्यादातर पर यहाँ पर सामने आ रही है। अभी खुल के तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को किसानों को किस तरह से टाला जा रहे हैं कि आपके जो सोयाबीन में जो है वो माइचर ज़्यादा है इसके, और गवर्नमेंट से तो 12% माइचर का लिया जा सकता है। अभी जो ज़मीन है बेला मंडल के अतराफ में वो गीली ज़मीन है और ज़्यादातर यहाँ पर कानार ज़मीन पाई जाती है, यानी काली ज़मीन पाई जाती है और वो भारी ज़मीन पाई जाती है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा तो नम होता है और माइचर में भी 12-12.5 इस तरह से दिखाता है, लेकिन यहाँ पर कालाबाजारी इन मार्केट या फेड वालों की और जिसके तत्वावधान में लिया जा रहा है वो सीधे रिश्वत की तरफ इशारा कर रहा है। अभी किसान काफ़ी सारे नाराज़ है और मार्केट को पूरी तरह से कंपाउंड भी नहीं है, जिस तरह के इनका खाना पीना सब यहीं पर हो रहा है, कई सारे जो किसान हैं वो भूख की तादाद में भी रह रहे हैं क्योंकि माल उनके जो फसल के पास कोई नहीं रहने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है और रात भर यहाँ पर जाग के खाना, मच्छरों के अंदर यहाँ पर दूसरी कोई सहूलत भी नहीं है, जैसा कि खाने की सहूलत हो या कोई अन्य सहूलत हो, ये सभी सहूलतें नज़र नहीं आ रही है। और किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि ऐसे जो अगर सरकार जब हमारा माल खरीदने की कोशिश करती है तो बीच में जो है वो दलाल लोग या तो फिर ये मार्केट यार्ड वाले या मार्केट फेड वाले जिसके तत्वावधान में लिया जाता है वो हमको अड़थड़ा पहुंचा रहे हैं। आगे की भी रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे, आप बने रहिएगा मायमाउली हिंदी समाचार के साथ। हमको प्रॉब्लम क्या है, हमारा इनॉग्रेशन का माल है, इनॉग्रेशन के लिए सेलेक्ट करे लिए और हमारा वोच माल वहाँ पर है, तो उन्होंने क्या करें मालूम कि हमको अभी रिजेक्ट करके 12 माइचर का लेना रूल्स उनका, तो उन्होंने 12 लेना तो 12-12.5 का नहीं ले रहे, 14 का नहीं ले रहे, 13 का नहीं ले रहे, वो 15 वाले का ले रहा, हमारा भी 15 बता रहा, वो तो हमारा नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा बोल के हम उनको रोके, तो 100 बस्ते उनके काटा करे बाद में हम सिलाई नहीं लगाने लगा जी और आधा माल वैसा करे हम रुक दिए कल। 17 का माइचर था नहीं लिए, 12 का माइचर था, रिजेक्ट क्यों करना हमारा, उन्होंने भी काश्तकार है हम भी काश्तकार, तो हमारा नहीं ले रहे, उन्होंने अंदर से क्या दे रहे नहीं दे रहे हमको नहीं मालूम, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम नहीं दिए, तो हमारा माल कल से रोक के है, हमें एक महीना होगा यहाँ पे निकले जब से यहाँ डाल के हमारा माल, हम बीमार करें ना, हम बीमार मार रहे, उन्होंने फोन पर मार रहे, मारे होंगे, हमने देखे नहीं, दिखे भी ना, उन्हें फोन पे मार रहे होंगे, हमको क्या मालूम, बड़े बड़े काश्तकार हैं हम छोटे काश्तकार, हम कहाँ से देना पैसे, वो रूल्स दे दो है ना, नगराला बुरहानपुर रहे ना, यहाँ है डोकताला, कापसी, मिर्जापुर, चिपराला वाले के है रूल्स है ना, दो तीन गांव के अपने बुरहानपुर, नगराला, बेला, यहाँ पूरे दूसरे गांव के जा रहे, हमारे बेले वाले के रहे हुआ, लेकिन पूरे ढीगा जो माल है काश्तकार 8 दिन से हम माल सुखा रहे, 8 दिन से माल सुखाने के बाद भी माइचर है बल्कि उनका माल नहीं ले रही,
पूरे लोग परेशान है, 8 दिन से खाना पीना तो नहीं कर रहे, 14 माई चढ़े बोल रहे, किसी को 15 माई चढ़े बोल रहे। ये काश्तकारों को ऐसा सताने का काम है, खरीदी का काम नहीं होता, ये काश्तकारों को नुकसान पहुंचाने का काम है। खरीदी नाम की खरीदी है गवर्नमेंट की, लेकिन काम की नहीं है। खाली नाम को खरीदना बोल के मार्केट चालू करे, लेकिन खरीदना खरीद रहा किसके भी नहीं, एक दो काश्तकार का माल खरीद रहे, बाकी लोगों को बोल रहे माचर है, ये है वो है बोल के, किसका भी खरीद रहे नहीं। खाली नाम को गवर्नमेंट यहाँ चूतिया बना रही, लोगों को पब्लिक को खाली यहाँ पे माल लालो बोल के बोल दिए, और माल किसका ले रहे नहीं। और यहाँ पे माल ला के गंजी मार के हम परेशान हो गए, रात भर यहाँ रखवाली करो, सो तुम्हारा माल के तुम जिम्मेदार, हम हमारे को नहीं मालूम बोल के उन्हें चले जा रहे। बड़े काश्तकार का माल ले रहे और दो जने का माल ले रहे, फिर बाकी के लोगों को 14 माइचर है तुम्हारा, 13 माइचर है, 18 माइचर है, माल किसका नहीं ले रहे, कोई खरीदी नहीं है यहाँ पे, खाली एक दो जनों का दिन भर में ले रहे। परेशान करना नहीं, बुलाना नहीं, एक तो खरीदना नहीं है उनको, तो काश्तकारों को मार्केट चालू करके बुलाना नहीं, परेशान करना नहीं। उन्हों कहाँ भी बेच लेते, दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ भी हमारा माल बिक जाता, लेकिन यहाँ बुला के हमारे को परेशान करने की वजह क्या है, वही हमारे को पूछना है आज। सीओ साहब, अभी इस वक्त हम अभी मार्केट यार्ड में आप, और कल से मार्केट काटा शुरू हुआ, तो कल से मार्केट काटा शुरू होने के बावजूद में किसानों का आरोप है कि आपके ऊपर जिस तरह से 12 माइचर के ऊपर भी आप ले रहे हैं, और जिन किसानों का 13 या 14 12.5 माइचर है तो आप वापस कर दे रहे हैं, फिर किसानों का आरोप है कि जिसका 15 माइचर है, जिसका 18 माइचर है, उसका भी आप खरीदी कर रहे हैं, या तो फिर आपको अंदरूनी पैसे दिया जा रहा है। अंदरूनी पैसे का मतलब फ़ोन पे या गूगल पे आपको आ रहे हैं, इसलिए आप उन बड़े बड़े किसानों का माल खरीद रहे हैं। अभी किसान यहाँ पर जिस वक्त इनाग्रेशन हुआ था, इनाग्रेशन के टाइम में जो किसानों का माल सिलेक्ट किया गया था, तो उनको भी आप वापस कर रहे हैं, इसके ऊपर ये आरोप है आप पर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई इनाग्रेशन करे जब 12 माइचर आए थे, अब 14 माइचर आ रहे, ऊपर से उन्होंने डीएम मार्कशीट से 12 माइचर है तो ले लो, ज़्यादा है तो मत लो बोल के बोल, कल शुरू हो गए ना। अब किसानों के पास अब 12 माइचर है तो हम दे रहे, ज़्यादा है तो हम वापस कर दें। किसी का भी हो जाए फिर 12 के ऊपर रहेगा तो आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है, मार्केट से आदेश है 12 है तो ले लो, ऊपर है तो मत ले बोल के बोल रहे। फिर किसानों का आरोप है कि यहाँ धोखाधड़ी चल रही है, कि रिश्वत देकर दूसरे किसान ऐसा 12 से अंदर ही ले रहे, 12-13 हो गए तो मैं किसी को नहीं ले रहे, वापस कर दे रहे, ठीक।